हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में इतिहास के पाठ 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, सी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से, डी ऑप्शन है बर्तन उद्योग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। पावर लूम क्या है, तो पावर लूम मशीन है जिससे चादर और कपड़े को बुना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में स्थापित की गई, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बंगाल में जूट मिल स्थापित की गई वो असफल रहा, तो फिर बंगाल से मुंबई में ले जाके स्थापित किया गया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है 1838 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1881 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है जॉन के ने, बी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है क्रॉम्पटन ने। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हेम्फ्री डेवी ने किया, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी में,
बी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1881 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में स्थापना हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। ए ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, बी ऑप्शन है वाष्प इंजन का, सी ऑप्शन है पावर लूम का, डी ऑप्शन है जहाज का। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशतों की नियुक्ति क्यों किया था। ए ऑप्शन है लगान वसूलने के लिए, बी ऑप्शन है कपास की खेती करने के लिए, सी ऑप्शन है बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, सी ऑप्शन है गांव में शांति बनाए रखने के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशतों की नियुक्ति क्यों किया था, तो बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था। ए ऑप्शन है नए नए मशीनों का आविष्कार, बी ऑप्शन है कोयले और लोह की प्रचुरता, सी ऑप्शन है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था, तो नए नए मशीनों का आविष्कार ये भी था, कोयले और लोहे की प्रचुरता ये भी था, और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत ये भी था, यानी तीनों था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1932 में, डी ऑप्शन है 1949 में। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1769 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1775 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ए ऑप्शन है ओवम ने, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन है लुई ब्लंक ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में,
बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहां पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कहां सबसे अधिक होता है, तो महानगर में सबसे अधिक होता है जनसंख्या घनत्व, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है रूस में। और यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था। ए ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1780 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने ही किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पार्ट से हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मेटर्निक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। कल एक क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हम गलती से कबूतर बोल दिए थे, ये हमसे मिस्टेक हो गया था, तो इसका आंसर कबूतर नहीं होगा, मोर होगा। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मोर होता है, ये आपको सही कर लेना है। क्या पता कैसे हमसे गलती हो गया, हमको समझ में नहीं आया, ये गलती से गलती हो गया, तो प्लीज हम सॉरी बोलते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मोर होता है, ये आपको याद रखना है, तो प्लीज आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।